अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद समीर अमजद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MSA। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी USB एक बूटेबल USB कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप कैसे बूट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी USB के अंदर बूटेबल में आपको बना के दिखाऊँगा। मेरे पास वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेरे पास पहले से डाउनलोडेड हैं ऑलरेडी, तो आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये विंडो 8, विंडो 7, विंडो 10, विंडो XP के मेरे पास ISO पहले ही पड़े हुए हैं। और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल के ऊपर सिंपली आप ऑपरेटिंग सिस्टम का आप लिखें तो आपको मिल जाएंगे प्री रजिस्टर्ड भी। और आपको मैं दिखाता चलता हूँ कि आपने कैसे सर्च करना है गूगल के ऊपर। वैसे तो आपको ईज़िली मिल जाएगा, लेकिन अब जैसे मैं विंडोज़ 8.1 का मैं चाहता हूँ कि जो मुझे पूरी विंडो प्री एक्टिवेटेड मिल जाए ISO, क्योंकि अगर आपने इस जो इस सॉफ्टवेयर से मैं करूँगा उस सॉफ्टवेयर से आप करना चाहते हैं तो आपको ISO चाहिए होगा। ISO एक फॉर्मेट है, वो कंप्रेस्ड करने का एक फॉर्मेट होता है ISO, तो आपको उस ISO फॉर्मेट के अंदर आपको जो विंडो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आपने इसके आगे लिखना है ब्लॉक स्पॉट। तो जो पहला ब्लॉक स्पॉट आए आप वहाँ से इजीली आप डाउनलोड कर लें। तो ये लिंक है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्री एक्टिवेटेड है, इसके अंदर 32 बिट भी है और 64 बिट भी है, तो आप यहाँ से इजीली आप विंडो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपको मैं पहले USB दिखाता चलूँगा, जो मेरी USB है उसके अंदर अभी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मौजूद। तो ये मेरे पास 4GB की USB है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये फोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है। तो अब मैं अपनी USB बूटेबल में बनाता हूँ। तो मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है यूनिवर्सल USB इंस्टॉलर, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो ये गूगल के ऊपर ईज़िली मिल जाएगा ये वाला सॉफ्टवेयर, लेकिन फिर भी आप डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो आपको मैंने लिंक दिया है आप उधर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, तो मैं इसको आई एग्री करता हूँ। और इधर मेरे पास एक लिस्ट है जहाँ पे ये बताएगा कि आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप बूटेबल USB बनाना चाह रहे हो, कौन सी USB आप बनाना चाह रहे हैं, लिनक्स बनाना चाह रहे हैं, यूबंटू बनाना चाह रहे हैं, विंडो 8, विंडो 7, विंडो XP, सो ऑन। काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसे बूटेबल आप बना सकते हैं। तो मैं जो बनाऊंगा, आप ये देख सकते हैं कि विंडो 8, विंडो 7 का इधर दिया गया है, लेकिन जो मैं बनाऊंगा वो विंडो नहीं है, वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। तो मैं काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लिक करता हूँ, तो मैं इधर से अब ब्राउज़ करता हूँ कि मेरा जहाँ पर ISO पड़ा हुआ है। तो इसका मैं आपको फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ कि इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है। ये जो यूनिवर्सल USB इंस्टॉलर है ये सिर्फ ISO फॉर्मेट को ही रीड करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि डिस्क इमेज फाइल है .ISO। तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने के बाद अपनी USB मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको फॉर्मेट के ऊपर कर देता हूँ, और इसको मैं क्रिएट के ऊपर कर दूँगा। तो ये आपसे परमिशन मांग रहा है कि आप जितने भी आपके पीछे चीज़ें वगैरह चल रही है आप उसको बंद करना चाहते हैं, और एक और बात आप फॉर्मेट वगैरह करना चाहते हैं अपनी USB को, और इसके अंदर डिटेल बताई हुई है कि आप कौन सा फॉर्मेट करेंगे। तो मैं इसको यस कर देता हूँ, और जब फॉर्मेटिंग पहले होगी और इसके बाद मेरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसके अंदर बूटेबल स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को फास्ट करने वाला हूं ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो।
तो ये बूटेबल यूएसबी बन चुकी है, तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। ये मेरी यूएसबी बिल्कुल कंप्लीट बन चुकी है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं यूयूआई जो एफ है, ये इसके अंदर पूरा सेटअप आ चुका है। तो अगर मैं अपनी यूएसबी को प्लग आउट करता हूँ और प्लग इन दोबारा करता हूँ तो इसके ऊपर लोगो आप देख सकेंगे, आप देख सकते हैं रन डेबियन GNU लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बूटेबल यूएसबी वो बन चुकी है। तो अगर आप विंडो 8, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8.1 किसी भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम की आप यूएसबी बनाना चाहते हैं बूटेबल, तो आप इस सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं इजीली। बिल्कुल जो प्रोसीजर है उसका बिल्कुल सेम एज इट इज़, ऐसे ही हर ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यूएसबी बनानी आ गई होगी, बूटेबल यूएसबी बनानी आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे क्वेश्चन वगैरह आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।